हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया बड़ी की एक खास सब्जी जो कि खाने में बिल्कुल नॉनवेज जैसी ही लगती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। तो इसे बनाने के लिए हम 1 कप सोया चंक्स ले लेंगे और इसे हम गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए उबाल लेंगे। तो अच्छे से उबाल लेना है इसे, और ये देखिए ये फूल कर डबल हो गई है। तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और फिर इसे छान कर ठंडा होने देंगे। तो अब हम मिक्सर का जार ले लेंगे और फिर ये जो सोया चंक्स है ये अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसमें जो पानी है इसे हम इस तरह से निचोड़ लेंगे अच्छे से, और फिर हम इसे मिक्सर के जार में डालेंगे। तो सबको हम ऐसे ही करेंगे। तो ये मैंने सारा सोया चंक्स इसमें डाल दिया है। अब हम इसे हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें दरदरा पीस लेना है, पूरा फाइन पेस्ट हमें नहीं बनाना है, इस तरह से हमें दरदरा रखना है। तो अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे। तो फिलहाल हम अभी 2 चम्मच ही बेसन डालेंगे और आगे भी ज़रूरत पड़े तो और बेसन डालेंगे। तो फिर इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे, 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, ये मैंने कच्चा सरसों का तेल डाला है, और आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और इन सबको हम अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है। तो अभी भी थोड़ा सा हमारा जो डो है वो थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो इसमें हम 1 चम्मच और ऐड करेंगे बेसन। तो अगर आपका इसी में ही ड्राई हो जाता है तो आप ज़्यादा ना डालें बेसन। तो इस तरह से हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो इस तरह का हमें डो बना लेना है। तो अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हाथों में इस तरह से ले लेंगे, और फिर ये मैंने एक पैन में 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये हल्का गर्म हो गया है, तो इसमें हम इस तरह से जैसे हम पकौड़ियाँ तलते हैं उसी तरह से हमें इस तरह से इसे डालना है। इसे कोई शेप में नहीं बनाना है, जैसे ही आपका शेप बने वैसे ही हमें इसे डालते जाना है। और फिर उसके बाद इसे एक तरफ से अच्छे से फ्राई होने देंगे, और फिर इसे इस तरह से पलटते हुए दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो अब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इन सबको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तो ये मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल इसमें डाल दिया है, और तेल जैसे ही गरम हो जाए उसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च और 2 तेज़ पत्ता डाल देंगे। और फिर ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। इसे हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से फ्राई होने देंगे, और जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो इसका कच्चापन दूर होने तक इसे भी चला लेंगे इस तरह से। और फिर अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। तो मसालों को अच्छे से भुनने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो पे रख के इसमें दही डालेंगे। तो ये मैंने 1/2 कप दही डाला है, तो लो फ्लेम पर ही डालें नहीं तो दही फट जाएंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों में। तो थोड़ी देर इसे भुनने के बाद ये दही और मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, इसमें से तेल भी अलग होने लगा है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें पानी डालेंगे।
तो आप ग्रेवी को पतला या गाढ़ा रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो ये मैंने ग्रेवी को थोड़ा पतला रखा है, तो उसके लिए मैंने 2 कप के करीब पानी डाल दिया है इसमें। और अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें, और फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से उबाल आने देंगे। और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगी तब हम ये जो सोया बड़ी हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो सारे डाल देंगे। अब हम ऊपर से 1 चम्मच कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करते हुए डालेंगे और अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। और फिर हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। तो 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी सोया बड़ी की बहुत ही खास सब्जी बनकर तैयार है। ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।